हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजी और आप देख रहे हो ट्रिक किंगडम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैनवा के थ्रू आप कैसे अपना यूट्यूब आर्ट बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कैसा यूट्यूब आर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ये आप जो बैकग्राउंड में अपने यूट्यूब चैनल के पीछे जो लगाते हैं, ठीक है, जो भी कोई मैसेज देना चाहते हैं वहाँ पर, वो कैसे आप लगाएंगे। ठीक है, तो जो मैंने बनाया आज कोशिश करूँगा कि सेम आपको जो है बना के दिखाऊँ, जिससे आप चीज़ों को सीख पाएँ। ठीक है, तो जो मैंने सॉफ्टवेयर यूज़ करा वो कैनवा है, तो अभी मैं कैनवा यूज़ कर लूँगा यहाँ पर, मतलब सॉरी जो ओपन कर लूँगा अपना, तो यहाँ मैं कैनवा टाइप करके उसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको यहाँ बता दूँ कि कैनवा तो यहाँ ओपन हो रहा है फिलहाल, लेकिन जो यूट्यूब आर्ट आर्ट आप बनाएंगे, ठीक है, वो सारे डिवाइस पर एकदम प्रॉपर दिखाई दें, उसके लिए हम क्या करें, तो वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। आप वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो तो बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, लेकिन यूट्यूब आर्ट बनने के बाद पता नहीं चलता है कि हमारा जो टेक्स्ट वो क्यों कट रहा है या लोगों क्यों नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो क्रिएटिव डिज़ाइन पर आपको जाना है और यहाँ आपको सर्च करना है यूट्यूब चैनल आर्ट, सेकेंड नंबर पर दिख रहा है, लेकिन फिलहाल मैं जो आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। कोई भी और भी आपको चीज़ बनानी हो, थंबनेल बनाना हो, लोगो बनाना हो, तो टाइप करके आप ईजिली जो है उसको देख सकते हैं कि कहाँ पर ऑप्शन है। अच्छा, YouTube चैनल आर्ट पे क्लिक करूँगा मैं, यहाँ से मुझे एक ब्लैंक प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस ब्लैंक प्रोजेक्ट को जो है हम अपने कस्टम जो भी हमें नीड होगी, जो चीज़ लिखना है वही चीज़ हम जो है यूज़ करेंगे। यहाँ हमारे पास जो है और डेमो भी हमारे पास हैं फॉर यू जो है साइड में, वो कोई टेम्पलेट हम लेकर उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन हम खुद से बनाएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ जो है हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस पर नहीं जाएंगे हम। अपलोड पर भी इसलिए जा रहा हूँ मैं पहले, कि आपने देखा होगा फिलहाल यहाँ से अपलोड, एक मैं फ़ोटो करता हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले एक फ़ोटो देख लेता हूँ मैं। फ़ोटो ये नहीं कि सिर्फ आपका ही हो, आपके चैनल का लोगो हो, आपका फ़ोटो हो, या जो भी आपको बेहतर लगे फ़ोटो, ठीक है, जो आपको सोच रहे हैं कि आप मैं लगाऊंगा, ठीक है, अपने जो भी अभी यूट्यूब आर्ट बनाऊंगा उसमें कहीं ना कहीं यूज़ करूँगा। तो मैंने जो यूज़ करा वो मैं आपको पहले एग्जाम्पल दिखा दूँगा कि मैंने ये फ़ोटो मैंने क्यों इसमें जो है डाउनलोड की है। ये देखिए, मैंने जो अपना चैनल है ना इसमें ये यूज़ किया है। ठीक है, सर्कल में आपको जो दिख रहा है रहा। तो फिलहाल अब इसको कैसे क्या मैनेज करें, सर्कल में कैसे लेकर आएँ, तो एलिमेंट्स पे जाएंगे हम और यहाँ से जो है फ्रेम टाइप करेंगे। फ्रेम टाइप करने के बाद ये फ्रेम हमारे सेकंड ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन सॉरी, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ बहुत सारे जो है अलग अलग हैं, सर्कल में हैं आपके, रेक्टेंगल हैं, ठीक है, और भी सारे जो हैं तरीके से हैं, तो जो भी आपको डिज़ाइन अपने हिसाब से जो भी लेना है फ्रेम वो ले सकते हैं। मैंने एक सर्कल ले लिया क्योंकि मुझे तो सेम बना के दिखाना है आपको, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, कि कैसे मैंने एडजस्ट किया सारी चीज़ें, और इसको हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ एक चीज़ और बताऊँ आपको, आपको भी लगेगा बीच बीच में कि भाई इतना सारा स्पेस है, मैं सारे उस पर क्यों नहीं बना रहा हूँ, मतलब खाली बीच में ही सारी चीज़ें क्यों रख रहा हूँ। ठीक है, तो उसका भी आपको जवाब देता रहूँगा बीच के बीच। तो फिलहाल अभी अपलोड हमारा हो चुका है, हम यहाँ से फ़ोटो ले लेंगे। फ़ोटो ये ज़रूरी नहीं कि आपको, मैंने फिर बताया वही चीज़ कि फ़ोटो ज़रूरी नहीं कि आपको, आपके लोगो हो, आपका कुछ भी हो, फिलहाल सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी इस पर। ठीक है, सिर्फ इसको ड्रैग करना है, आपका फ़ोटो अपने आप जो है एडजस्ट हो जाएगा इस सर्कल के हिसाब से, ये जो भी फ्रेम है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये देखिए फ़ोटो जो है यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि सिर्फ खाली फ़ोटो हमने यहाँ पर किया है, हम कुछ और ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, तो नीचे आते हैं, मेरे पास कुछ हो शायद, हाँ ये है, ठीक है, यूट्यूब का जो मेरे पास एक है आइकन, इसको मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो ऐसे आप ड्रैग करना इसके ऊपर है, अपने आप ये ले लेगा। ठीक है, तो फिलहाल इससे क्या है कि जो भी आपके पास है फ़ोटो आप ट्राई कर सकते हैं। मेरा वहाँ पर मेरा खुद का फ़ोटो लगा हुआ है, तो इसलिए मैं जो ट्राई कर रहा हूँ। मेरी एक चीज़ तो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मतलब एक चीज़ हमने बना ली है, अब हमने जो भी उस पर फॉन्ट लिखा है, सॉरी जो टेक्स्ट है हमारा या और सारी चीज़ें हैं वो हम ट्राई करेंगे अब। तो बैकग्राउंड तो अभी ट्राई नहीं करेंगे, पहले जो हम टेक्स्ट लिख लेंगे कि क्या हमें टेक्स्ट लिखना है। तो एक सब हेडिंग ले लेंगे पहले हम, तो यहाँ हम चैनल का अपना नेम लिखेंगे। तो चैनल का नेम देखो, फिर वही मैं चीज़ कह रहा हूँ कि यूट्यूब आर्ट का मतलब है कि क्रिएटिव आप कितना बना पाते हैं, सारी चीज़ें आपके पास हैं। ठीक है, सोर्स आपके पास है कि कैसे क्या बनाना है, सारी चीज़ें आपको दी रखी हैं। मैं इसलिए सारी चीज़ें वो फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो है ऑलरेडी बना हुआ है और मुझे सेम चीज़ आपको दिखानी है बना के, लेकिन आप कुछ भी बना सकते हैं फिलहाल अपने हिसाब से। ठीक है, जो भी आपको नाम देना है, जरूरी नहीं कि भाई जो नाम है आपका अलग अलग नाम दीजिए, अलग अलग फॉन्ट साइज दीजिए, सारा सारा कुछ आपके ऊपर है। तो मैंने ये ट्रिकिंग नाम दो सब हेडिंग ले ली है अलग अलग, और दोनों को मैं जो है डिज़ाइन करूँगा अपने हिसाब से और दोनों को एडजस्ट करूँगा। तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ पहले, और यहाँ एक फॉन्ट पहले हम ट्राई कर लेते हैं। तो
मैं आप जो मैंने यूज़ करा है, ठीक है, आप वो कर सकते हैं, अच्छा लगता है फिलहाल तो। हैंड राइटिंग आपके लिए करना है, आपको फॉन्ट मिल जाएगा, हैंड राइटिंग के लिए करेंगे, फिर नीचे जाएंगे थोड़ा सा मिलेगा हमें भी, तो हम स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये जो मैंने फॉन्ट यूज़ करा है ये वाला है, ठीक है, तो ये मैं क्लिक करूँगा और यहाँ देखो चेंज हो गया, ठीक है। तो फिलहाल मुझे अच्छा लगा और फिलहाल मैंने यूज़ भी कर रखा है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आप भी यूज़ करें अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको लग रहा है मैं कुछ और तरीके से अपनी यूट्यूब आर्ट बना रहा हूँ, तो आप और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग को एडजस्ट कर लिया है, एंड देन हम सोचेंगे हम सोच रहे हैं कि कुछ और भी इसमें जो है ऐड करें, टेक्स्ट वगैरह, क्योंकि इतना से तो खाली हमें दिखाना नहीं है यूट्यूब आर्ट में। तो हम यहाँ एक वर्टिकल लाइन देंगे पहले, फिर कुछ लिखेंगे, क्योंकि हमारा जैसे नेम और जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं वो अलग रहे। तो मैं यहाँ एक वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ, तो ये मैंने लाइन ले ली, इसको कलर दे देता हूँ कोई, तो ये कलर मैंने दे दिया इसको, ठीक है। इसके बाद एक सब हेडिंग और ले लेते हैं और इसको मैं लिख देता हूँ, मतलब फ़िलहाल में कोई भी मैसेज आपको देना है, मतलब आपकी हर जो है 1 वीक में, क्या नाम है, 1 वीडियो आपकी हो रही है, ठीक है, आउट हो रही है, जो भी है, फ़िलहाल आपको कोई मैसेज देना है, मैं अपने अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, जो भी आपको बेहतर लगता है मैसेज, ज़रूरी नहीं कि आपका भी जो है सेम ही रहे यूट्यूब आर्ट, ठीक है। बस आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ कि आप कैसे साइज़ से लेके फॉन्ट तक और फॉन्ट से लेके फ्रेम या बैकग्राउंड आप कैसे यूज़ करें, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये, तो सारी चीज़ें तो आप कर ही लेंगे, फ़िलहाल सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा सारे डिवाइस में परफेक्ट जो है डिज़ाइन दिखे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेस्कटॉप में तो दिख रहा है, बड़ी स्क्रीन है, फ़ोन में जैसे गया तो लोगो कट रहा है, आपका टेक्स्ट कट रहा है, वो चीज़ नहीं, ठीक है। तो उसके लिए ही मैं सारी चीज़ें भी कर रहा हूँ, और आपको एक चीज़ अभी और बताऊँगा, वीडियो इसकी बिल्कुल मत करना, ठीक है, कि वो कैसे दिखेगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं आउट नाउ, अब हमारी भाई वीडियो आती रहेंगे, तो फ़िलहाल उसी हिसाब से हम सारा बना लेते हैं, और इसको जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, और ठीक है यहाँ, और ठीक, इसका थोड़ा सा साइज हल्का सा जो है बढ़ा देते हैं, पॉइंट, ठीक है, ये ठीक है, नॉर्मल है। तो ये साइज हो गया, थोड़ा सा बड़ा इसको रख दिया, ठीक है, जैसे थोड़ा सा अटेंशन आए आप लोगों की। अच्छा, यहाँ सब्सक्राइब नाउ लिख देंगे हम। अच्छा, जब सब्सक्राइब नाउ लिख ही रहा हूँ मैं, तो देन आप सब्सक्राइब कर ही दीजिए, ठीक है। तो मैं वैसे बेसिकली ज़्यादा वीडियो में कहना नहीं चाहता हूँ कि भाई सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई अगर आपको मैं अच्छा कॉन्टेंट दूंगा, सब कुछ दूंगा, तो आप खुद ही करेंगे, लेकिन फ़िलहाल फिर भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब जब लिख ही दिया है मैंने यहाँ फ़िलहाल, ठीक है, फिर अब इनका जो है हम फॉन्ट और कलर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम पहले फॉन्ट ले लेते हैं, तो सेम तो फॉन्ट नहीं रखेंगे जो हमने ट्रिक किंगडम जो भी नाम लिखा अपने चैनल का, वो थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ एक है जोसेफ करके है, जोसफिन करके है, तो ये बोल्ड है, तो बोल्ड मेरे हिसाब से ठीक नहीं लगेगा, रेगुलर ले लेते हैं। एंड देन सेकंड जो है आउट नाउ को हम देखते हैं, तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से बोल्ड होना चाहिए, तो उसको हम बोल्ड ये वाला ही रख देंगे फॉन्ट, ठीक है। ज़्यादा फॉन्ट भी अलग अलग तरीके होंगे, अजीब सा लगेगा, इसलिए मैं ज़्यादा फॉन्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एक दो ही यूज़ कर रहा हूँ और नॉर्मल, ठीक है। तो सब्सक्राइब नाउ, और इसको थोड़ा सा और लाइट करते हैं, इसको जो है ग्रे ऑप्शन पर जाते हैं और ये देखते हैं। अच्छा, अब ठीक है, तो ये जो है अब हमने जो लिखना था हमें वो भी लिख लिया, सारी चीज़ें मैनेज हो गई हैं, ठीक है। और थोड़ा सा और देख लेता हूँ मैं कलर, अच्छा ठीक है, अब दिख रहा है थोड़ा सा, वो बहुत ज़्यादा वाइट हो रहा था। तो गाइज, अब हमारा लास्ट रह गया है बैकग्राउंड, तो इसमें बहुत सारे बैकग्राउंड आपको मिलेंगे, वन बाई वन जो है आप ट्राई कर सकते हैं कि मेरा जो भी फॉन्ट है या मैंने जो भी लिखा है वो किस बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मैच करना, क्योंकि अब ये देखो कितना अजीब सा लग रहा है। तो फिलहाल हम देखेंगे वन बाई वन क्या ठीक रहेगा, और जो मैंने यूज़ करा है वो भी अभी आपके सामने आएगा। तो वो स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा, ये देखिए ये वाला मैंने यूज़ किया हुआ है जो भी है मेरा, ठीक है। तो सेम मुझे मिल गया है, और सेम देखो आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, और ये है, ठीक है। तो अब एक चीज़ और देखो आप, इसमें फॉन्ट और सारी चीज़ें कितनी बड़ी लग रही हैं, और वहाँ मैंने कितना पास पास लिखा हुआ है।
तो इसका मैं एक रीज़न आपको यही बता देता हूँ कि देखो भाई, जितना आप यहाँ एडजस्ट करके रखेंगे बीच में सेंटर में सारी चीज़ें, तो आपका क्या है ना, वो जो टैक्स कटता है, लोगों कटता है, मेरे हिसाब से वो नहीं कटेगा, ठीक है? आप एडजस्ट करके देख लेना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, बना तो लेते हैं लोग, लेकिन वो पूरे जो है, अब आप कहेंगे इतना सारा स्पेस है, आप इसमें जो है कि ना, मैं सारी चीज़ें दूर दूर रखें जिससे और अच्छी लगें, अच्छी और बेहतर बन सकती है, ऐसी बात नहीं है फिलहाल। लेकिन वही चीज़ है कि आपका अगर कटे फॉन्ट या जो भी हमने डिज़ाइन बनाया वो कटे तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, एक क्राउन रह गया था फिलहाल, मैं वही सर्च कर रहा हूँ, ठीक है? तो क्राउन जो है हम एक लगा देते हैं यहाँ पर, जिससे और थोड़ा सा लास्ट हमारी रह गई थी उसमें चीज़, वो लग जाए इसमें। तो ये भी एलिमेंट्स में जाके मैंने किया, ठीक है? कुछ ऐसा नहीं कि आपको लगे कि मैं कुछ और बोल रहा था, कर कुछ रहा था। तो क्राउन टेम्पलेट पे क्लिक, सॉरी एलिमेंट पे क्लिक करा, और यहाँ से क्राउन का ये मुझे ऑप्शन मिला, और यहाँ से मैंने क्राउन ले लिया, ठीक है? तो इसका कलर वगैरह और साइज़ वगैरह सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं हम। तो यहाँ जाएंगे हम, और यहाँ से मैं कलर कर दूँगा इसका येलो, क्योंकि क्राउन मेरे हिसाब से थोड़ा सा तो ऐसा कलर रहता ही है उसका, ठीक है? बाकी ब्लैक हो या जैसे भी कलर के आपको लग रहे हैं कि हमें अपना क्राउन रखना है तो रख सकते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरे यूट्यूब आर्ट में पहले वाले में भी सेम ही चीज़ है। तो बाकी इसका कोई और मकसद नहीं है इसको रोटेट करने का, आप जैसा बेहतर लगे आप वैसा रखिएगा इसको। तो ये मैंने एडजस्ट कर लिया यहाँ पर। तो गाइस, वही चीज़ है, सबसे मेन मैंने आपको बता दिया कि यूट्यूब आर्ट तो आप बना लेंगे जैसे भी होगी फिलहाल, लेकिन मैनेज करना है कि आपको सेंटर में रखेंगे। देखो, जब ये क्रॉप होके अपने आप जब आएगा ना यूट्यूब आर्ट पे, तो वो एकदम परफेक्ट दिखेगा वहाँ जाके। तो इसलिए बीच में रखो सारी चीज़ें। यहाँ डाउनलोड पे जाना है आपको, डाउनलोड पे क्लिक करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है? पीएनजी वीएनजी जो भी आपको मिलता है ऑलरेडी वो सारी चीज़ें रहने, डाउनलोड पे जैसे क्लिक करोगे ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर कोई नाम देना चाहो अपनी इमेज का दे दो, वरना सेव कर दो, बस हो गया फिलहाल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।